मशहूर अभिनेता शशि कपूर का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। शशि कपूर 79 साल के थे। शशि कपूर ने अपने फिल्मी करियर में काफी सारी सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शशि कपूर को किस फिल्म से स्टारडम मिला? तो आइए हम आपको बताते हैं। शशि कपूर ने एक्टर के रूप में करियर की शुरुआत की फिल्म धर्मपुत्र से। इसके बाद विमल राय की फिल्म प्रेम पत्र में भी शशि कपूर ने अपने अभिनय का जौहर दिखाया, लेकिन दोनों ही फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इसके बाद उन्होंने मेहंदी लगी मेरे हाथ, हॉलीडे इन बॉम्बे और बेनजीर जैसी फिल्में की, लेकिन ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर सकी। लेकिन इसके बाद 1965 में फिल्म जब जब फूल खिले आई। शानदार गीत, संगीत और एक्टिंग वाली इस फिल्म को जबरदस्त कामयाबी मिली और यहीं से शशि कपूर स्टार बन गए। इसी साल उनकी एक और फिल्म वक्त रिलीज हुई। इसके बाद शशि कपूर ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन फिल्मों की सफलता के बाद शशि कपूर की इमेज रोमांटिक हीरो की बन गई। साल 1965 से साल 1976 के बीच शशि कपूर ने जिन भी फिल्मों में काम किया वो ज्यादातर हिट रहे। शर्मिला टैगोर और नंदा जैसे एक्ट्रेसेस के साथ भी शशि कपूर की जोड़ी को काफी सराहा गया। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के साथ उनकी कई फिल्में आई जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही, जिनमें दीवार, त्रिशूल, शान, सिलसिला और नमक हलाल जैसी फिल्मों में दोनों की जोड़ी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।